Sony LIV. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. सीआईडी के एसीपी को अपनी पत्नी को बाहर ले जाना है और इसीलिए उन्हें कॉमेडी सर्कस का टाइम चेंज करवाना है. तो कॉमेडी सर्कस में सीआईडी का स्वागत है. प्लीज वेलकम कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स, सुदेश एज सीआईडी का एसीपी एंड सिद्धार्थ एज श्रुति. हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं दया. अर्चना जी, हमारे हिंदुस्तान में पिछले 20 सालों से सिर्फ दो चीजें नहीं बदली, एक एसीपी प्रद्युमन और दूसरा भी एसीपी प्रद्युमन. वाट लगा के रखी आदमी ने. अर्चना जी, हमारी शादी नहीं होने देता यार. आपने कभी सीआईडी में हमारी फैमिली देखी है कभी? कोई फैमिली नहीं होती. एक आदमी का फोन है, कहते मेरी बीबी सुसाइड कर रही है, उसे अंदर से ताला लगा दिया, आके दरवाजा तोड़ दो. हाँ ठेका लगा दरवाजा तोड़ने का. मैंने कहा मैं नहीं तोड़ूंगा, मैं 10,000 रुपए लूंगा. कहते फिर जाने दो, बीवी को 5,000 नहीं दे तभी तो सुसाइड कर रही है, तेरे को 10,000 खाक देंगे हम लोग. ऐसे ऐसे लोग हैं हमारी टीम में. एक तो डॉक्टर रखा हुआ है. डॉक्टर तो ऐसा है कि डिलीट और एंटर का बटन दबा के किसी के भी फिंगरप्रिंट निकाल लेता है. कभी कभी तो कंप्यूटर ऑन भी नहीं होता, फिर भी फिंगरप्रिंट निकालते रहते हैं. खैर प्रॉब्लम बहुत होती है. कॉमेडी सर्कस ने बहुत परेशान किया हुआ है. क्या इसका टाइम स्लॉट 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक कॉमेडी सर्कस आता है, उसके बाद 10 से 11 जो है वो हमारा सीआईडी शो आता है. लेकिन क्या इस चक्कर में हम लोग रोज लेट हो जाते हैं ना, फिर हम घर पे 12-1 बजे पहुंचते हैं, अच्छा नहीं लगता. और अभी का एसीपी प्रद्युमन जो है उनकी एनिवर्सरी है, तो इस बार हमने सोचा है जब टीवी पे कॉमेडी सर्कस आएगा तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज जरा इस बार अपने टाइम स्लॉट में हमें आने दीजिए. तो वो पता नहीं प्रद्युमन जी कहाँ चले गए, अभी आते ही होंगे. सर कुछ तो गड़बड़ है दया. कुछ तो गड़बड़ है. कुछ तो गड़बड़ है. अब वो गड़बड़ यहाँ पर मत कर देना. कितनी बार बोला घर से गड़बड़ करके आया करो. मना किया 3-3, 4-4 दिन पुराने नान मत खाया करो. फिर भगवान से प्रे करते रहते हैं, भगवान या तो जान निकाल दे या नान निकाल दे. कुछ तो गड़बड़ है दया. आगे बताओ यहाँ क्यों आए अभी. आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है मेरी वाइफ के साथ. हाँ हाँ. तो मैं जल्दी जाना चाहता हूँ. इनको बोलो ये हमारा शो कब शुरू होगा दया. हमारा शो कितनी होगा दया. सर अभी पहले कॉमेडी सर्कस आएगा, उसके बाद हमारा शो आएगा, कुछ नहीं हो सकता. उनसे बात करो, इसको हमारा आज पहले करा दो, क्योंकि मैंने जल्दी जाना है, क्योंकि ज्यादा इनके चक्कर में हमारा प्रोग्राम 10 से 11 आता है और मैं बहुत लेट हो जाता हूँ, मुझे डर लगता है. आपको डर लगता है एसीपी हो के, आपको डर लगता है घर जाने से. अरे क्या बात कर रहे हैं सर. अरे एसीपी तो मैं तो ऑफिस में हूँ, गली में मुझे कुत्ते काटते हैं. अरे इनको बोलो अपना शो जल्दी खत्म करो. अरे सर अभी बट टाइम हो रहा है, 8:30 बज रहे हैं, एकदम देखिएगा फ्रूटी सेट आती होगी टीवी पर आई. कुछ तो गड़बड़ है दिया, इधर भी कुछ गड़बड़ है दिया. दिया इधर आ. ये नाक कौन है? ये कौन है नाक जिसके हाथ पांव भी निकले हुए? अरे नाक नहीं है, ये फ्रूटी सेट है और स्पेटन एम नोजी सेट है इसका. ये कॉमेडी सर्कस की एंकर है सर. यस सर. ये क्या कर रहे हो सर? ये आवाज ऊपर कर रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही. Hello and Foodie Presents. एक मिनट देखो. एक हाँ. Hello and Foodie Presents. Comedy Circus Ke Ajoobe. दिया, दिया कुछ तो गड़बड़ है. दिया ये कौन एंकर है कि कैस्टो मुकर, ये कैसे हंसती है? दिया हाँ. इससे बात करो, मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, जरा हमको मौका दे दे. अरे सर आप बात करिए, बेटर होगा. नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, तू कर. अरे नहीं आप बात करो सर. अरे मैं क्यों करूं? अरे बुड्ढी बुड्ढे की बात सुनेगी ना सर, मेरी बात थोड़ी सुनेगी वो. अरे अरे किस एंगल से ये तुमको बुड्ढी लगती है? अरे कौन कहता है ये बुड्ढी, ये तो सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर है. अरे सर आप. अरे सर
आप लोगों ने तो सिर्फ इसको टीवी पर देखा, मैंने करीब से देखा है। इसकी तो झुर्रियां भी सफेद हो गई हैं सर, मैं आपको बता नहीं सकता। दिया, दिया क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे ये तो एक शरीफ लड़की है, जब शरीफ लड़की को गुस्सा आ गया ये अपने 8-10 बॉयफ्रेंड भेजेगी, 4-5 पति भेजेगी, हमको मार देंगे। कुछ तो गड़बड़ है दिया। सर मेरी रिक्वेस्ट है, आप बात करिए प्लीज, एक बार जाके प्लीज। ओके, मैं कौन टीवी के अंदर जाके सर। ठीक है, यहाँ से मैं कर लेता हूँ, मैं कौन सा नहीं डरता। आज की हमारी स्पेशल थीम है जासूस स्पेशल। एक्सक्यूज मी, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, बात करने से पहले उंगली नीचे करो। चुकर, तू कौन है? मुझे नहीं पहचाना, ये देखो। ओ दिलीर मेहदी, ये देखो। ए, कौन सा जानवर है तू? सर के साथ बकवास करती है। देखिए मैं हूं दया, मैं सीआईडी से आया हूं, हमारे सर एसीपी प्रदुमन। देखिए एक्चुअली मैडम प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली मैडम प्रॉब्लम क्या है, आपका जो शो है वो 8:30 से 10 बजे तक आता है, ठीक है? आज सर की एनिवर्सरी है, इनको अपनी वाइफ से मिलने जाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है मैडम कि अगर ये टाइम स्लॉट आप हमें दे दें तो सर को बहुत फायदा होगा, वो घर जाकर काफी कुछ अपना होता है यार, सबका होता है, तो प्लीज अगर आप थोड़ा एडजस्ट कर ले हमारे साथ बस मैडम। एक्चुअली मुझे सुनाई नहीं दे रहा, बोल क्या रहे हो? हट, पहली लाइन में नहीं बोल सकते, सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? इतनी बड़ी नाक लेके घूम रही है, इतनी बड़ी नाक पे ना अर्चना जी ने मडल में बंगला बनाया हुआ है, समझी? इतनी बड़ी नाक लेके घूम रही है, मैं तो बोलता अपना नाक कटवा के दो कान बनवा ले इसके। सर ये सुननी को मैं नहीं संभाल सकता, मेरे को गुस्सा आ गया ना, आई विल किक हर। सर आप संभालिए सर, प्लीज आप संभालिए, मैं जा रहा हूं। नहीं देखो टीवी के अंदर जब इंसान रहता है तो घमंड रहता है, थोड़ा बाहर आके बात करते हैं। एक्चुअली मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें मौका दीजिए, और आपका कॉमेडी सर्कस लोग देख देख के पागल हो गए, कृष्णा सुदेश के सिवा और है क्या इसमें, हमें दीजिए, हम कुछ नया करना चाहते हैं। नहीं प्लीज, कुछ नया नहीं, ऑलरेडी हमारे पास एक नया जज आ चुका है, बहुत हो गया बस। ओ माय सलमान, कुछ तो गड़बड़ है, ये लड़का कौन है? ये सुहेल का बड़ा भाई अरबाज खान। अरे अरबाज, अरे कुछ तो गड़बड़ है इधर भी, स्टैंडिंग विशन वाले को 8-8 और 8-8 वालों को स्टैंडिंग विशन, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे डर है मेरी बीवी यही ना आ जाए, मैं परेशान हूँ। ये जा माइला टकलू मेलिया। ये क्या कर रही है? घर से जब भी निकलता है सब चीजें खोल के जाता, मैं ही बंद करती हूँ, समझा येड़ा? नेलिया, मेरे को मालूम है तेरा लपड़ा इसके साथ, मैं असली सीआईडी वाले के पास जाएगी और तेरा सब कंप्लेंट करेगी, सब कुछ गड़बड़े। ए चुप कर, नाक मार के सर फोड़ दूंगी तेरा। बकवास कर, तू है कौन? तू क्या करने आई है? मैं इसकी बीवी है समझी, तो क्या करेगी तू? क्या करेगी बोल, बताऊं मैं? टकलू हट, यार टकलू क्या दिया रे आज तक तूने मेरे को? 16 साल से एक ही कोट पैंट पहन के घूम रहे, अब वो भी कोट पैंट इतना कड़क हो गया, एक बार गोली जो है साला बुलेट प्रूफ जैकेट में जाके घुसेगी, तेरे कोट में कभी नहीं घुसेगी। देख तेरा कॉमेडी सर्कस ही अच्छा है। हाँ मैं तो बोलती हूँ सोनी टीवी का सारा शो अच्छा है, सभी शो देखो। हाँ कॉमेडी सर्कस तो जरूर देखना, 8:30 से 10 बजे, बहुत अच्छा आता है। और खास करके भी नया प्रोग्राम आया छन छन, वो भी बहुत अच्छा शो है, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक का है ना, प्रमोशन नहीं करो तो पैसे नहीं देते, तो सब शो देखो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। बहुत हो गया, कुछ तो गड़बड़ है, अब मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ है। श्रुति इधर आ, हम बदनाम तो हो ही चुके हैं, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कुछ तो गड़बड़ है, क्यों ना कि हम गड़बड़ कर ही दें, हम दोनों शादी कर लेते हैं, आओ मेरे गले लग जाओ, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, ये लो। हमारी जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता।
तो जजेस, इस एक्ट में थोड़ा मुश्किल हो रहा है डिसाइड करना कि सबसे डरावना कौन है, दया, एसीपी की बीवी या फिर ये श्रुति? भाई मुझे तो दया भी ठीक ही लगा, वो बीवी भी अच्छी लगी और एसीपी भी, और ये लंबी नाक वाली श्रुति मुझे सबसे डरावनी तो ये लग रही है। मैंने पहले कहा था कुछ तो गड़बड़ है। इतनी बेइज्जती। अरे जितनी हो रही थी उससे तो कम ही है। You actually think I'm more frightening than these three namunas on stage? Because I love them. तो कैसा लगा आपको ये एक्ट अर्चना? You know, ये कैसे हालात में आप लोगों ने ये एक्ट खड़ा किया है आज? इम्प्रोवाइजेशन का एलिमेंट बहुत हैवी था आपके इस एक्ट में, लेकिन प्रेपरेशन कम थी। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट कि आपकी तैयारी कम थी एंड वेरी लिटिल टाइम एंड ऑल, यू स्टिल पुट अप अ वेरी एंटरटेनिंग एक्ट। ये एक्ट सिर्फ ये तिगड़ी ही कर सकती है, बिकॉज लाइक आई हैव ऑलवेज सेड, तीन पागल, और जब आप तीनों को दे दिया जाए CID जैसा मसाला, अगर कॉमेडी सर्कस को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है CID, और आपने कॉमेडी सर्कस में CID को दिखा दिया, तो द ह्यूमर दैट केम आउट वॉज अमेजिंग। लंबी नाक वाली श्रुति, आपने बहुत अच्छा किया। वो जो चुड़ैल नुमा वो जो था बीच में, वो क्यों था? और ऐसा तो श्रुति कभी नहीं करती, लेकिन अब आप उसे भी लेजेंड बना देंगे कि एक श्रुति है जो ऐसे इतनी लंबी नाक वाली है और ऐसे चिल्लाती है। क्या क्या क्रिएट करते हैं आप? आई जस्ट विश थोड़ा और वक्त मिला होता आपको। इन स्पाइट ऑफ दैट I was hugely entertained. हमने निकुल जी को बोला था कि श्रुति जी का नाक ऐसा थोड़ी है तो आप क्यों करवा रहे हो, तो कहते वो कौन सी बुड्ढी है, बुड्ढी भी तो कहते है तो जवान ही ना। वाह वाह, मैं दिखाना चाहती हूँ एक बार, जरा प्रोफाइल में देख लीजिए, है मेरा नाक बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है ना, थोड़ा लंबा ही लगता है, छोटा रह गया इस बार। हाँ, वो एक्चुअली हम लोग करवा लेंगे नेक्स्ट। श्रुति, यू कांट बीट देम, जॉइन देम, ट्रू, एंजॉय। अरबाज, आप क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस के बारे में? वाह, कमाल है, सुपर, मजा आ गया। आई थॉट आप लोग तीनों का कॉम्बिनेशन इज परफेक्ट, एकदम टाइमिंग, कोऑर्डिनेशन इज वंडरफुल। अरे सिद्धार्थ, तुम तो ये औरतों के रोल जो प्ले करती हो, ये क्या बाद में भी कभी तुम प्रैक्टिस करती हो क्या इस किस्म के? नहीं नहीं सर, यही इसको तुमने ऑलमोस्ट अपना एक सेकंड नेचर ही बना लिया। हाउ डू थिंक सिद्धार्थ परमानेंट हो गया सीसी पे? और द होल एक्ट वाज वेरी गुड, आई रियली एंजॉयड इट, आई थिंक दिस कॉम्बिनेशन इज फैंटास्टिक, हैट्स ऑफ टू यू ऑल, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू अरबाज। टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स, तो अरबाज आप ही से शुरू करते हैं, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? 9 points from अरबाज एंड 9 points from अर्चना। वॉच आउट, व्हेनेवर शी कम्स Closer to you to grab that. That is the way she moves in slowly. फिर एक दिन हाथ पकड़ेगी। यार, अब revenge ले रही है। अब श्रुति revenge ले रही है। But have you noticed कि जितनी जल्दी मैं ऐसे करती हूँ, छोड़ देता है दफड़ दफड़। तो मुझे ऐसे से करना पड़ता है नंबर को। Don't worry. 9 points from आरती। एक बार कृष्णा, सुदेश और सिद्धार्थ के लिए जोरदार तालियां। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।